मॉर्निंग बच्चों, मैं रोहिणी बाबू आपको आज हिंदी व्याकरण का पढ़ाने वाली हूँ। आप अभी पहली कक्षा में आए हैं, पहले जूनियर केजी में थे, तो आपको पता नहीं है कि हिंदी व्याकरण क्या होता है। आप खाली हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में क्या पढ़ा है आपने? कविताएं पढ़ी है, कहानियां पढ़ी है, और स्वर व्यंजन पढ़े है। स्वर कौन से है वो आपको पता है, व्यंजन कौन से है वो भी आपको पता है। और आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का फर्स्ट लेसन पढ़ाने वाली हूँ, जो उसमें आपको दिया है भाषा को जाने। भाषा क्या होती है आपको पता है? भाषा क्या होती है? नहीं ना, आपने तो स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, कहानियां पढ़ी है, कविताएं पढ़ी है। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में भाषा की पहचान करवाने वाली हूँ। भाषा को जानो, नाउ अबाउट लैंग्वेज। आपको पता नहीं है कि भाषा क्या है, तो आपको आज भाषा क्या होती है वो सीखना है, किसे कहते हैं वो भी सीखना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से आया है। जैसे कि पहले संस्कृत में पढ़ाया जाता था तो उसमें भाष शब्द था। भाष आपको पता नहीं होगा ना, भाष ये धातु है, धातु मतलब शब्द। जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात जो हम जो बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि पहले चित्र में दिया है, बच्चों विद्यालय के प्रोग्राम में कौन क्या क्या करेगा बताओ। जैसे कि अभी टीचर आपसे पूछ रही है कि आप स्कूल के प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट लेने वाले हो तो उसमें आप क्या क्या करने वाले हो। जैसे कि हमारे स्कूल में जो जो प्रोग्राम अटेंड किए रहते हैं, जैसे कि फैंसी ड्रेस रहता है, पोयम क्वाइज कॉम्पिटिशन रहता है, पोयम कॉम्पिटिशन रहता है, स्टोरी कॉम्पिटिशन रहता है, वैसे वो टीचर उनसे बोल रही है। तो बोलना क्या है? भाषा का रूप है। तो इसमें जो चित्र में दिया है, तो एक लड़की बोल रही है मैं कविता सुनाऊंगी, मैं निबंध पढ़ूंगा, और तीसरी बोल रही है मैं लेख पढ़ूंगी। तो ऊपर दिए गए चित्र में सभी ने अपनी बात बोलकर प्रकट की है और अन्य ने सुनकर समझी है। बात करने का या भावों का विचारों को यह आदान प्रदान ही भाषा होती है। जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ, आप मुझे आंसर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, वो क्या है? विचारों की आदान प्रदान है। जैसे कि भाषा हम अपनी बात कहते हैं, दूसरे सुनते हैं, उसको सुनकर समझते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं। ये आदान प्रदान का स्वरूप है। अभी हमें भाषा क्या होती है वो विस्तार से जानना है। अभी यहाँ पे चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। यहाँ पे एक माँ है और एक बच्चा है, उसको माँ क्या कर रही है? बच्चे को उठा रही है, नकुल उठ जाओ, 6 बज गए। तो और दूसरे चित्र में दिया है लड़का लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है? दादाजी मैं कल गांव आ रहा हूँ। अभी ऊपर दिए गए चित्र में, पहले चित्र में महिला अपनी बात बोलकर प्रकट कर रही है और दूसरे चित्र में है अपनी बात लिखकर प्रकट कर रही है। अभी यहाँ पे बोलकर और लिखकर दिया है, तो ये क्या है? भाषा के रूप है। अभी भाषा किसे इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अपने मन में उठे विचारों या बातों को किसी से सामने बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाता है। मन के विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी लिखा है, भाषा वह साधन है, भाषा की परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मन के विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हम अपने भाषा विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहा गया है? भाषा कहा गया है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारे आजू बाजू में अलग अलग भाषा बोलने वाले भी रहते हैं। अभी हिंदी दिवस किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और भारत में
हिंदी के साथ साथ तमिल, मराठी, तेलुगु, अंग्रेजी, पंजाबी आदि भाषाएं बोली जाती है। आपको पता ही है आपके आजू बाजू रहने वाले लोग हैं, स्कूल में आप कौन सी भाषा सीखते हैं, वो है स्कूल में आप अंग्रेजी सीखते हो, हिंदी सीखते हो, आप म्यूजिक रूम में जाते हो तो आपको संस्कृत की प्रार्थना सिखाई जाती है, बाद में गुजराती भाषा सिखाई जाती है। तो ये क्या है, भाषा के प्रकार है। भाषा के रूप कौन से हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी है, जो हम अभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हो, वो क्या है, मौखिक भाषा है। बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा का रूप है। और लिखना, जो अब मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिया है तो आप नोटबुक में लिख रहे हैं, उसे क्या कहा गया है, लिखित भाषा। जैसे कि लिखकर हमारे विचारों को समझा बताना, उसे क्या है, क्या कहा गया है, लिखित भाषा कहा गया है। यहाँ पे मैंने दो भाषा के रूप लिखे हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और उसके बाद बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के काम है। जैसे कि हम अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, वो क्या है, भाषा के काम है। इनके द्वारा ये हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख के पढ़ के दे रही हूँ तो वो क्या कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ आपको समझाने का। अभी यहाँ पे मैं आपको लिख के दूंगी मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। बोलकर अपनी भाषा को इसे मौखिक भाषा कहा गया है, और लिखकर अपनी भाषा को प्रकट करना अभी यहाँ पे मौखिक भाषा को बोलकर अपनी भाषा प्रकट करना उसे मौखिक भाषा कहा गया है, और लिखकर अपनी भाषा को प्रकट करना उसे लिखित भाषा कहा गया है। अभी यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा कि भाषा किसे कहा गया है, भाषा के दो रूप है, भाषा के काम कौन से, ये क्या है, भाषा के काम है। लिखना, समझना, पढ़ना और सुनना, वो क्या है, भाषा के काम है। ये आज मैंने आपको भाषा कैसे समझाई जाती है वो लिख के दिया है। इसका आपको होमवर्क नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूंगी, तो आपको वो लिखना है। थैंक यू।